दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 153 क्रय केंद्रों पर 15 अप्रैल से की जाएगी गेहूं खरीद। डीएम ने गेहूं क्रय केंद्र संचालकों के साथ बैठक कर टोकन व्यवस्था से वितरण के लिए दिए निर्देश। पीएमसीएम राहत कोष में दानदाताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से दिया दान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का इलाज प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सों से ही कराएं। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कैंपियरगंज, पीपीगंज, भटहट सहित विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर सरकारी शराब की दुकानों को किया जा रहा है सील। बैसाखी पर्व पर सिख समुदाय के लोगों ने विश्व को कोरोना बीमारी से मुक्त कराने और सुख शांति के लिए किया अरदास। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों व उप निरीक्षक मिलकर तैयार कर रहे हैं गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन। एनडीआरएफ के हाई प्रेशर मशीन से शहर के विभिन्न स्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर किया गया सैनिटाइजेशन। जिला अस्पताल के मरीज सोशल डिस्टेंस के तहत करा रहे हैं इलाज। डॉक्टर लगातार संक्रमण से बचने का कर रहे हैं अपील। उरुआ थाने पर धर्मगुरुओं के साथ पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने की बैठक। जिला व पुलिस प्रशासन लॉकडाउन करा रहा है शत प्रतिशत अनुपालन। ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर लंबी कतार। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का खाता धारक कर रहे हैं पालन। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती की तरफ से जरूरतमंदों, असहायों व मजदूरों में किया जा रहा है राहत सामग्रियों का वितरण।